बाजार भाव मतलब अभी कब तक उम्मीद है कुछ खुलेगा मतलब बाजार का? किसान बेचेगा तभी खुलेगा। मतलब किसान बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं है अभी, वापस ले गए पर्ची। अच्छा, जिनका भाड़ा पैड हो गया था, मेरे पास भाड़ा पैड हो गया था, वो भी देनी पड़ी, कटवाया नहीं था, देनी पड़ी। भैया नुकसान होगा, गाड़ी क्या जाकर आगे बेच देंगे। व्यापारी लोग क्या मन बनाए हुए, मतलब इस टाइम पे क्या रेट की लेने की मतलब उनकी इच्छा है? जैसे किसान देने को तैयार नहीं है तो कुछ तो रेट मांग रहा होगा ना कि यही मान लो 600 रुपए तक हम लोग ले लेंगे, 600 650 रुपए तक ख्याति ख्याति। अच्छा, खुराज ख्याति ले लेंगे। और वो क्या किसान क्या चाह रहा है, कितने में बिके? बोले वो 850 की उम्मीद लगा। अच्छा, 850 की उम्मीद लगा है ख्याति ख्याति खुराज की। तो चिपसोना सतीश तो और ऊपर निकल जाएगा। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र पथरिया, आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूँ इस समय नवभारत कोल्ड फरुखाबाद में और हमारे साथ हैं विकास दुबे जी, आलू आरती हैं ये, और ये फूल सिंह जी हैं, ये भी आरती हैं। क्या कुछ पोजीशन चल रही है इस टाइम पे? इस समय केवल G4 बिक रहा है, सिर्फ G4 बिक रहा है। G4 क्या रेट चल रहा है? G4 छट्टा बिका है 1600 से 1650 रुपया। अच्छा, 1600 से 1650 रुपया कुंतल सूखा हुआ। अच्छा, बीज वाले ले जा रहे हैं ये? हाँ हाँ, ये सब काश्तकार ले जा रहे हैं गड़ाने के लिए। अच्छा, बीज वाले इलाहाबाद के जो लोग आए हुए हैं वो लोग। अच्छा, दूसरा आलू कोई बिकी नहीं रहा है? दूसरा नहीं, जब से पानी बरसा तब से दूसरा नहीं बिक रहा है। अच्छा, नहीं बेच रहा है, नुकसान काफी हुआ है बारिश की वजह से जी। इसलिए अब जो अपना खेत देख रहे हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है। खेतों में तो पानी, हम आज ही आए अभी, मतलब रास्ते रास्ते आए तो बहुत खेतों में आज भी पानी भरा हुआ है। बस इसी वजह से किसान अभी आलू केवल G4 बिक रहा है। बीजा बिका है 1265 रुपए कुंतल G4 का ही। अच्छा, 1265 रुपए कुंतल। अच्छा, और छट्टा 1600 रुपए, 1651 रुपए। अच्छा, अपने ख्याति पुखराज का कोई मतलब कोई लिवाल? लिवाल तो है मगर बिकवाल नहीं, किसान नहीं बेच रहा। अच्छा, लिवाल क्या रेट किए हैं? लिवाल तो 550 रुपए पैकेट तक के लिवाल है पुखराज। ख्याति पुखराज जो है, अभी विकास जी अभी एक किसान आया था अपने सामने, क्या रेट बता रहा था वो? वो लगभग 750 रुपए पैकेट बिका हुआ। कौन सी कोल्ड का बता रहा था? ये केटी 700 रुपए पैकेट बिका है यूपी कोल्ड में आज। आज वो बिका है, G4 ही बिका है। G4 नहीं, अभी एक किसान आया था अपने सामने, हम लोग बैठे थे, बराउन का किसान था, वो कुछ 750 रुपए, उससे जिससे हम लोग बात कर रहे थे, अपना वो चिपसोना बेचने की बात कर रहा था ना। चिपसोना शुगर फ्री हो सकता है? नहीं, चिपसोना बेचने की बात कर रहा था यहाँ पे, तो हाँ ये तो वो अपना ये बता रहा था कि ख्याति अब बेच के आए हैं अभी। कौन सी कोल्ड का नाम बता रहा था, केटी या कौन सा बता रहा था? कंफर्म नहीं हो रहा अभी, नाम बताया तो 750 रुपए बता रहा था कि 750 रुपए बेच गया। किसी गाड़ने वाले लिया होगा, व्यापारी नहीं। अच्छा, कोई गाड़ने वाला किसान ले सकता है? अच्छा, हाँ, व्यापारी नहीं लेगा। अच्छा, आपका घर तो इधर फरुखाबाद के पश्चिम में ही पड़ता है ना, आकलगंज में। आपके यहाँ कितना क्या नुकसान है? हमारे यहाँ तो पूरा नुकसान है, जितना गड़ा है सब दम में पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है? हाँ, पूरी से एक फुट ऊपर पानी। लेकिन आपके यहाँ तो बालू मिट्टी है थोड़ी सी। बालू मिट्टी है तो क्या हुआ, उसमें रुकता नहीं ना पानी, इसलिए। अरे सब जगह थोड़ी ना, मतलब वहाँ भी भर जाता है पानी। पानी भर जाता है क्योंकि आपके इधर बरसात जो है डबल हो गई, एक दिन पहले हो गई, फिर इसके बाद एक दिन और हो गई बरसात। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपके यहाँ डबल हो गई, डबल हो गई। अच्छा, कुछ लोग अभी भी ये चीज मानने को तैयार नहीं है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नुकसान खाली 20% हुआ है, 10% हुआ है। नुकसान तो इतना हुआ है कि इसका किसी को भी अंदाजा नहीं, वो तो 8-10 दिन बाद पता लगेगा। जिस खेत में पानी भर गया है जी, ऊपर निकल गया है आलू, जो ऊपर नहीं गया आलू, जिसमें दिखने लगा है तो आलू कौन बचा पाए? सर, दिखने की बात नहीं, मेरा खुद का आलू 12 बीघा आलू गड़ गया था 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन से ज्यादा हो गए होंगे, और उसमें आज भी पानी, कल तो उसके ऊपर 1 फुट पानी था, आलू की कुड़ी के ऊपर 1 फुट पानी था, और आज जो है आज भी उसके ऊपर पानी भरा हुआ था। तो अब उसमें आलू क्या बचेगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो अभी भी लोग मतलब 12 बीघा का मेरा खेत अकेला है, और बाकी और लोगों के भी मतलब बहुत सारे आलू ऐसे हैं, हमने वीडियो में दिखाए थे इससे पहले,
और आप तो मतलब यहाँ पे कमीशन एजेंट भी हैं, आप किसान भी हैं, और आप इसी आप दूसरे इलाके के मतलब हम पूरब साइड के रहने वाले हैं, फरुखाबाद से आप पश्चिम में बारिश हुई, हाँ वो पश्चिम में इधर बारिश हो गई डबल, हमारे यहाँ हुई सिर्फ एक दिन, हमारे यहाँ दो दिन हुई, आपके यहाँ दो दिन हो गई, एक दिन दिन में हो गई फिर एक दिन रात में वो भी हो गई, तो इधर के आपके यहाँ कायमगंज तक का नवाबगंज कायमगंज ये सब भैया पहला शमशाबाद तक है, शमशाबाद के आगे कायमगंज तक, कायमगंज तक नुकसान, कायमगंज के आगे तक उधर जो अलीगंज रोड जाता है ना उधर भी मेरी बात हुई है, तो उधर भी लोग यही बता रहे हैं कि मतलब आलू डूब गए हैं भैया, दोबारा वो हमसे पूछ रहे थे बीज के लिए कि बीज है क्या, तो मतलब कि हमने की दोबारा काटना पड़ेगा क्या, बोले दोबारा कटेगा, लोगों ने लागत मार दी थी जी, लोगों ने जी जी वहाँ के उधर के दो तीन आड़ती है वो कह रहे हमारी तो लागत नहीं सीधी होगी, खेतों में पानी भरा है और लागत दी है काश्तकारों को, जो उनका आलू ही नहीं मंडी में आएगा तो बेचेंगे क्या, यही भाई साहब क्वेश्चन कर रहे थे हमसे भी, पर्सनल भी फोन पे पूछ रहे थे कि क्या करें, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें नुकसान तो नुकसान है, उसमें क्या होगा, नहीं भाई तो अब किसान तो अब दोबारा काटना पड़ेगा, उसको दोबारा पैसा चाहिए होगा, काटना पड़ेगा, लेकिन जो लागत जो उधार लेके पैसा लेके लगाए उनको मुश्किल पड़ेगा, मुश्किल तो पड़ेगा, लेकिन अगर वो अगर अब दोबारा नहीं लगाएगा तो वो पैसे पहले वाला भी पैसा नहीं निकालना मुश्किल पड़ जाएगा, अब वो तो देखो कूदेंगे ही भाई, वो भी अपना खरीद करेंगे और खेतों में बिकने लगे, क्योंकि आलू तो सीधा पक्की सीजन पे ही आ पाएगा, सीधा पक्की सीजन पे कच्चे में बहुत कम आएगा, दिसंबर में आलू आ पाएगा क्या, आ तो आलू जाएगा लेकिन क्वांटिटी कितनी होगी ये मुश्किल कहना अभी, क्योंकि इससे पहले जो गड़ गए हैं और उसमें जो कुछ निकले जिनके ऊपर से पानी होके निकल गया उसमें क्या उम्मीद करते हैं, पहले गड़ गए हैं जिनमें एक एक फुट का उसका तना हो गया था जी, उस आलू की पोजिशन जो है उसकी जड़ें दिख रही हैं, जड़ें दिख रही हैं, कल वो आलू हरे, आज मैं रास्ते रास्ते आया तो मैंने देखा वो आलू कल हरे दिख रहे थे और आज वो थोड़े से ऐठे ऐठे दिख रहे हैं, काले काले दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चार दिन बाद मुरझा ना जाए वो, बिल्कुल मुरझा जाएंगे, बिल्कुल मुरझा जाएंगे, अगर बच भी गए तो क्या उम्मीद है उसमें कुछ निकलेगा, भाई देखिए जो खेत में जो गर्मी है वो तो खत्म हो गई जी, खेत में ठंडक है जी, वो तो मुरझाना ही है, और नहीं इतना ज्यादा पानी से उसकी जड़ भी तो खराब हो जाती है आलू की, तो विकास जी आपने कुछ बेचा बचा के बेचा बची करी आज, कुछ नहीं बिका, ठीक है बाकी तो इसमें किसान है कोई भैया, कहाँ गए आप लोग, नगला बाले मोहम्मदाबाद, अच्छा यार बताओ तुम मोहम्मदाबाद तुम्हारे यहाँ कैसी बारिश हुई है, मोहम्मदाबाद बहुत बारिश हुई है, अच्छा आलू गड़ गया था तुम्हारे यहाँ, अभी आलू हमारे हमारे क्षेत्र में नहीं मोहम्मदाबाद साइड में गड़ गया था, अच्छा मोहम्मदाबाद में तो वैसे लेट गड़ाते हैं लोग, तो हमारे गांव के तीन पड़ोस में तो 5% गड़ा हुआ, अच्छा और मोहम्मदाबाद में सब लोग मतलब अगाई खेती कमी करते हैं, आप भी मोहम्मदाबाद से क्या, एक ही गांव के, अच्छा चारों लोग एक ही गांव से, अच्छा अच्छा चारों लोग एक ही गांव से हैं, और बारिश तुम्हारे यहाँ खूब हुई, गड़ाई अभी 15 दिन हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, लग जाएंगे, हमारे यहाँ गड़ी मिट्टी है, आपके यहाँ तो मोटी मिट्टी है, मोटी मिट्टी है, इसीलिए तुम लोग लेट गड़ाते हो वैसे भी, कि मतलब बरसात का रिस्क ले नहीं पाते हो, 25 दिसंबर के बाद ही गड़ाई होती है, हाँ क्यों बरसात का रिस्क ले नहीं पाते हो ना, ये भैया आप आओ जरा आ जाओ इधर आओ, ये भाई साहब इलाहाबाद के हैं और आगे इधर आ जाओ, इलाहाबाद के हैं, किसान हैं ये और यहाँ पे आए हैं आलू खरीदने के लिए, तो कौन सा आलू लिया है आपने, जी फोर लिया, क्या सब लिया है, 1641 रुपए लिया है, 1641 रुपए कुंतल बीज के लिए, अच्छा आप यहाँ सब लोग जी फोर ही लगाते हैं, पूरा गांव लगाता है, पूरा जिला है, हाँ पूरे जिला, आपकी मंडी में भी रेट भी हमको G4 का ही मिलता है, ज्यादा मिलता है, हाँ कि मतलब मेन G4 एक और श्रीनाथ लगाते हो आप लोग, नहीं लगाते श्रीनाथ, और तो श्रीनाथ इधर से जाता होता है, श्रीनाथ की भी बिक्री होती है वहाँ पे, हमारे तरफ G4 ही लगाते, तो कब से लगाओगे आप लोग आलू, 25 अक्टूबर के बाद लगाओगे, आपके यहाँ बारिश कैसी है, बारिश नहीं हो रही, आपके यहाँ अभी जो यहाँ पे जो बारिश हुई है,
अच्छा, यहाँ पे आपने देखा, घूम के देखा बारिश कैसी है यहाँ पे? हम यहीं थे, हम चार दिन से आए हैं। अच्छा, चार दिन से, मतलब बारिश हुई थी उस दिन आप यहीं थे? बारिश हुई थी, हम यहीं थे। अच्छा, खेतों की तरफ गए कहीं घूमने की तरफ? खेतों की तरफ नहीं गए। अच्छा, पानी भरा है अभी सब जगह? अभी गए ही नहीं तब क्या? अच्छा अच्छा, नहीं हम बता रहे हैं कि आप गए नहीं, निकले नहीं, तो पानी मतलब भरा है इधर। और तो G4 का मतलब कौन सा, मोटा आलू ले रहे हो बीजा वाला? छट्टा आलू लेते हम। अच्छा, छट्टा लेते हो? अच्छा, तो 25 अक्टूबर से गड़ाई हो जाएगी आपके यहाँ पे? अच्छा अच्छा। अरे इधर आ, जौनपुर वाले जो छोटा वाला बीजा लेने आते थे वो लोग लेके गए कि नहीं? जौनपुर वाले ले चुके हैं। हाँ। तो अब तो उसकी मतलब बिक्री छोटे वाले की बिल्कुल खत्म हो गई? महीन आलू बचा जो कोई पतला वाला। हाँ, वो कौन लेगा? आपको देखो कम में जाएगा, थोड़ा डाउन होगा। मैं तो नहीं, वो बिल्कुल छर्री वाला तो जौनपुर वाले लेते थे ना। हाँ। तो अब वो लोग लेके नहीं है? छर्री इस बार निकली नहीं थी ना, इस बार तो सब मोटे आलू थे अपने पास। तो बाजार भाव मतलब अभी कब तक उम्मीद है कुछ खुलेगा मतलब बाजार का? किसान बेचेगा तभी खुलेगा। मतलब किसान बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं है? वापस ले गए पर्ची अपनी। अच्छा, जिनका भाड़ा पैड हो गया था, मेरे पास भाड़ा पैड हो गया था, वो भी देनी पड़ी, कटवाया नहीं था, देनी पड़ी। भैया नुकसान होगा, गाड़ी में क्या जाकर अगर बेच देंगे? व्यापारी लोग क्या मन बनाए हुए, मतलब इस टाइम पे क्या रेट की लेने की मतलब उनकी इच्छा है? जैसे किसान देने को तैयार नहीं है तो कुछ तो रेट मांग रहा होगा ना कि? यही मान के लो 600 रुपए तक हम लोग ले लेंगे, 600-650 रुपए तक ख्याति। अच्छा, ख्याति ले लेंगे। और वो क्या किसान क्या चाह रहा है, कितने में बिके? बोले वो 850 रुपए लगा उम्मीद। अच्छा, 850 की उम्मीद लगाए ख्याति बुखराज की? तो चिपसोना सतीश तो और ऊपर निकल जाएगा। हाँ। क्यों नया आ नहीं पाएगा, यही खबेगा आलू? हाँ, नया तो इस बार दिसंबर में भी नहीं आएगा, मतलब जो दिसंबर में आ जाता था भूलने वाले हैं ये सब तो ये। और आएगा तो वो नाम मात्र के लिए आएगा खाली, क्योंकि अभी जो गड़के जो बचेगा वही तो आएगा खाली। 80-85 हजार पैकेट रह गए, 265 हजार कैपेसिटी। अच्छा, अपने यहाँ पे मतलब 80-85 हजार रुपए, 80-85 हजार पैकेट हो गया। अच्छा, करीब करीब मतलब शुगर फ्री और सादा दोनों मिला 35%, वो हिसाब से 35% बचा है, मतलब 40 के भीतर पहुँच गए आप लोग। उसमें लगभग 20-22 हजार पैकेट होगा शुगर फ्री का, गाड़ी में खाने में चला जाएगा। 65% निकासी हो गई। गाड़ने वाले ले जाए जो लेट गाड़ते हैं, लेट गाड़ते हैं, ये दोबारा काटना पड़ेगा उन लोगों को। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।